नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मेटालिक कैरेक्टर। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, दैट इज व्हाई दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज वेरी स्मॉल, बीइंग इक्वल टू द टू। मीन्स के 4s ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और इस वजह से ये हार्ड, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटालिक कैरेक्टर ये होता है कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा बॉन्डिंग बनाएंगे, और जब वो ज्यादा बॉन्डिंग बनाएंगे तो मीन्स उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर एंड मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड वन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर एंड मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी देयर। आई विल शो यू द टेबल, look at this. Scandium melting point 1539, it is rising up to the chromium, no sorry it is rising up to the vanadium, and then it decreases. That is because of the number of unpaired electrons are decreasing up to zinc it becomes 419.55, and next is the boiling point 2730, increasing to vanadium, and then from chromium to zinc it decreases. There are exceptional cases upon iron and cobalt, somehow little bit exceptional, but general trend is that the melting and boiling points increases up to the vanadium and then goes on decreasing up to the zinc because of the number of unpaired electrons from scandium to vanadium or chromium increases, and then from chromium manganese to zinc it goes on decreasing. Ionization potentials, the ionization potential values of the most of the d block elements lie in between s or p block elements के, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान होती है इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दिस इंडिकेट दैट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड सो रेडियली एज अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू, अनलाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बनिस्बत डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। मींस के इनके जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड केस के आयोनिक बॉन्ड उस तरह रेडियली नहीं बनाते जैसे कि अल्कलीन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। और सेकंड वन फॉर्म इज दैट बिकॉज दीज आर बिटवीन द एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द
They show the variable oxidation states because of the number of unpaired electrons. As the number of unpaired electrons goes on increasing from scandium to vanadium, their oxidation states are increases, and then from manganese iron to zinc, their oxidation state goes on decreases because of the number of unpaired electrons decreases from manganese iron to zinc. Most of the transition elements show several oxidation states in their compounds. These states are exhibited only in few complexes, and furthermore, these are unstable. The cause of showing different oxidation states is that in addition to using electrons in the outermost subshell, namely NS, in the compound formation, a variable number of inner d electrons can also be used for this purpose. The energy difference between the d orbitals and NS orbitals of the transition elements is very small. As a result, the electrons may easily shift from d orbital to NS orbital or from NS to d orbital. वही बात है कि s orbital में उनकी जो electrons होते हैं वो पहले filled होते हैं, बाद में d में जाते हैं, तो d orbital filling state में होता है, और ns और d orbital के जो energy difference है वो कम होता है, तो इस वजह से जो electrons जो d ऑर्बिटल से ns में भी चले जाते हैं और ns ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में भी चले जाते हैं। बात हो रही है अब एटॉमिक वॉल्यूम्स की और डेंसिटीज की। एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द मेटल्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। As the inner orbitals get filled, the increased nuclear charge pulls the electronic cloud inward. The atomic volume thereby decreases. The decrease in atomic volume increases the density. According to the densities of the transition elements are very high as compared to those of alkali and alkaline earth metals. This is about the atomic volumes and densities. जैसे ही इन means के हम transition elements के case में for along the period move करते हैं, तो उनका जो nuclear charge है वो increase होता है, और nuclear charge जो है वो electronic cloud को अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो कम होता है हो जाता है। और डेंसिटी क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका मास जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, एटॉमिक मास, तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, और इस वजह से अल्कलीन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी की बनिस्बत इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अल्कलीन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो है उनके वॉल्यूम ज्यादा होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, और इनकी जो है डेंसिटी ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ देयर वॉल्यूम, एंड देयर इज स्पेशल केसेस, लुक एट द टेबल। What you see here, density is increasing from scandium to chromium and manganese. Density is increasing from scandium 10, vanadium 3, 4.5, 6.1, 7.2. 8.9 and on zinc it decreases. How this happened? Look at this. How this happened? This is happened because
shielding effect involved here in the case of zinc. Shielding effect involves that it decreases the force of the nuclear charge on the outermost orbital and its volume not decreases and its density its volume remains increases and its density decreases. Atomic volumes scandium from scandium 15.6 and continuously goes on decreasing to copper, and upon zinc it increases because of the shielding effect as I mentioned earlier. Similarly, atomic radii from scandium 1.44, 10, 1.321 and it continuously goes on decreasing, but it increases from copper to zinc. This is due to the shielding effect, जैसा कि मैंने पहले बताया. Similarly, ionic radii, but ionic radii का जो trend होता है वो मुख्तलिफ होता है, मतलब increase, decrease, increase, decrease. इनके जो charges पर, क्योंकि इनके चार्जेस सेम होते हैं, Sc+3 होता है, टिन का +3, वेनेडियम +3 और जिंक +2, कॉपर +2, इसी तरह मतलब इनके जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं. ये तो मैंने बता दिया एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई वैल्यूज जनरली डिक्रीज होते हैं मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये बता दिया कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है फिर वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की वजह से, और अट्रैक्शन जो होती है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो उनके रेडियो वही चीज मैंने बता दी है. नेक्स्ट वन इज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? ये होता है कि मींस के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ. अब ये कैसे होता है? दिस इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा. Many transition elements, atoms and cations with partially filled d orbital, partially filled means unpaired electrons, exhibit paramagnetic behavior. They are attracted toward the magnetic field. बता दिया मैंने पहले. Paramagnetism is caused by the presence of unpaired electrons and electron. अब ये होती किस दो किस्म की motion होती है एक electron की. एक होती है spin motion. एक स्पिन मोशन और सेकंड होती है स्पिन मोमेंट. स्पिन मोशन से जो एक होती है स्पिन मोशन और एक होती है ऑर्बिटल मोशन. स्पिन मोशन से जो मोमेंट पैदा होगी उसको स्पिन मोमेंट कहेंगे, और ऑर्बिटल मोशन से जो मोमेंट पैदा होगी उसको ऑर्बिटल मोमेंट कहेंगे. और ऑर्बिटल मोशन जो होगी वो स्पिन मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और ऑर्बिटल मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी. इन दोनों का जो बोथ दीज टू मोमेंट्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और इन दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स जो पैदा होते हैं स्पिन मोमेंट और ऑर्बिटल मोमेंट से, इन दोनों का जो कम्बिनेशन से एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है,
जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। कंप्लेक्स फॉर्मेशन कैटायंस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत होती है बहुत सारे लीजेंड के साथ, और दिस टेंडेंसी इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इन वजूहात के कैटायंस रिलेटिवली वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं और हेंस हैव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। वो चार्ज डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, विच मेक्स इट इजी फॉर द कैटायंस टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स। कैटायंस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, विच आर ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स फॉर बॉन्डिंग विद देम। पहले तो ये कि इनकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, जो कि इनको इस काबिल बनाती है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के लिए। और इनके डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट एनर्जी के होते हैं, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट द प्रॉपर्टी इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। इसमें यह होता है कि कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जिनके साइज कम होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इस काबिल होते हैं कि ट्रांजिशन मेटल के जो लैटिसेस होते हैं, मींस कि उनकी जो एम्प्टी साइट्स होती हैं, उनकी जो इंटरस्टीशियल साइट्स होती हैं, वो उनमें फिट हो जाते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, जो मतलब मींस के फिट होकर उनमें जो कंपाउंड बनाते हैं, इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनाते हैं। और दीज हैव वेरिएबल कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है, और इनको हम मींस के हम सिंपल फार्मूले से इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दैट मींस दैट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मींस के कंपोजिशन वेरिएबल होती है। अगर हम सिंपल फार्मूले के मुताबिक वो फिट नहीं होते, जो कि उनकी एक कम उनकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मुताबिक और उनकी प्रॉपर वैलेंसी के मुताबिक जो फार्मूले होते हैं उनको फिट नहीं होते, इस वजह से उनकी कंपोजिशन भी सेम नहीं होती, वेरिएबल कंपोजिशन होती है, और हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज एज कैटलिस्ट। अब इन कैटलिस्ट के नेम क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाटिनम, निकेल, आयरन, क्रोमियम एंड B2O5। हाउ इज दिस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम, मीन्स कि ये क्यों शो करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी? दिस इज द यूज ऑफ डी ऑर्बिटल फर्स्ट एंड सेकेंड रीजन इज इंटरस्टीशियल कंपाउंड, मीन्स के ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड बना देते हैं कि उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को या तो अब्जॉर्ब करके या उनको एक्टिवेट करके इंटरस्टीशियल कंपाउंड बना देते हैं, मीन्स के अपनी इंटरस्टीशियल साइट में उनको फिट कर लेते हैं, या फिर डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कलर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल कलर। लुक एट दिस टेबल। कलरिंग ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 0 to 4 इंक्रीजेज, मीन्स फ्रॉम जिंक एंड सेकेंडियम 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये कलरलेस होते हैं। और जबकि आयरन देखें, आप आयरन में
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका कलर भी ग्रीन होता है, और क्रोमियम के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर इनका डीप ग्रीन होगा। इससे हमने क्या खास किया नतीजा के दिस इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल। अब ये मेन अब ये होती कलर कैसे क्यों होता है इसको भी हमने देखना है कि कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ये बता दिया है। अब होता यह है कि जैसे ही व्हाइट लाइट इन पर होती है, ये व्हाइट लाइट का जो है वो जो लाइट इट अब्सॉर्ब्स फ्रॉम इट द लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर कलर, मीन्स के उसका जो एक पार्टिकुलर कलर की लाइट को अब्सॉर्ब कर देता है, कौन सा जो कि विजिबल रीजन में होता है, जिसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में होती है, उस पार्टिकुलर कलर को ये अब्सॉर्ब कर लेता है, और जो बाकी लाइट है जो उनके अपोजिट होती है, मीन्स के कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विजिबल रीजन के वेवलेंथ वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करके बाकी उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मीन्स के जो कंटेम्परेरी कलर होता है टू दैट ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइट के, जो कम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो कि अब रिफ्लेक्ट अब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हम जो रिफ्लेक्टेड लाइट ही जो कि हमें नजर आ रही होती है उस मेटल से रिफ्लेक्ट होके जो हमें नजर आ रही होती है वही होता है कलर जो हमें नजर आता है उस एलिमेंट का। और वो कैसे नजर आता है, जब उस एलिमेंट से लाइट रिफ्लेक्टेड होती है वही कलर होता है उसका, और जो ऑब्जर्व होता है वो तो ऑब्जर्व हो गया, वो तो हमें नजर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज द कलर ऑफ द सब्सटेंस एंड द कलर ऑफ द आयन्स इज रिफ्लेक्टेड रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द अलॉय फॉर्मेशन, मींस के ये दूसरे मेटल्स या दूसरे एलिमेंट्स के साथ अलॉयज बनाते हैं, उनके साथ एक मिक्सचर बना देते हैं, और इनके भी बड़े यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में भी और मुख्तलिफ फील्ड में। फर्स्ट ऑफ इज ब्रास, ब्रास में यह है कि कॉपर और जिंक का मिक्सिंग होती है, इसकी इनकी अलाइनमेंट होती है, और इसमें ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया और टिटेनियम, और जर्मन सिल्वर है इसमें कॉपर जिंक और निकल, और इसी तरह की ये टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है पहले की।